नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। आज के दिन को विश्व युवा कौशल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। युवा समाज की रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। परिवार की जिम्मेदारी युवाओं पर होती है। पिछड़े हुए देशों और विकासशील देशों में तादाद में युवा बेरोजगार देखे गए हैं, जो एक चिंता का विषय है। साथ ही बेरोजगारी के चलते वो अपनी क्षमता से कम स्किल वाले कार्यों को करते हैं। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। 15 जुलाई यानी आज का दिन विश्व युवा कौशल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। दरअसल ये बेरोजगारी के चलते शुरू हुआ था। युवाओं की स्थिति को देखते हुए श्रीलंका ने पहल पर 11 नवंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के तौर पर मनाए जाने का फैसला लिया। साल 2015 में ये पहली बार मनाया गया। दरअसल इस दिन युवाओं के कौशल विकास में निवेश के महत्व में जागरूकता को बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। बात अगर अपने देश की करें तो भारत युवाओं का देश है। आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 46 करोड़ जनसंख्या युवाओं की है। देश में युवाओं के कौशल विकास के लिए शुरू किए गए कौशल विकास मिशन कोरोना के चलते बंद पड़ा है। खबरों के मुताबिक कोरोना काल से पहले 3,271 युवाओं को इस मिशन के जरिए ट्रेनिंग दिलाई गई और इसके बाद 2,778 को रोजगार दिया गया। वहीं अब ये मिशन फिर वापस कब शुरू होगा इसका कुछ पता नहीं, लेकिन आपको बता दें कि कौशल विकास विभाग के तहत 14 से 35 साल के युवाओं को ट्रेनिंग और रोजगार दिलाया जाता है। पूरी दुनिया में आज के दिन यानी 15 जुलाई को विश्व कौशल दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर देश के युवाओं को बधाई दी। इसके साथ ही कहा कि युवाओं का स्किल डेवलपमेंट राष्ट्रीय जरूरत है, यह आत्मनिर्भर भारत का आधार है। पीएम मोदी ने विश्व युवा कौशल दिवस पर देश की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि नई पीढ़ी के युवाओं का स्किल डेवलपमेंट एक राष्ट्रीय जरूरत है, यह आत्मनिर्भर भारत का बहुत बड़ा आधार है। बीते 6 वर्षों में जो आधार बना, जो नए संस्थान बने, उसकी पूरी ताकत जोड़कर हमने नए सिरे से स्किल इंडिया मिशन को गति प्रदान करनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि हमारे पूर्वजों ने भी स्किल को महत्व दिया है। इसके साथ ही उन्होंने स्किल्स को समाज के उल्लास खुशी का हिस्सा बनाया। इसी क्रम में हम विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजन करते हैं। अक्षय तृतीया को किसान फसल की कृषि यंत्रों को पूजा करते हैं। भगवान विश्वकर्मा की पूजा तो हर शिल्प से जुड़े लोगों के लिए बहुत बड़ा पर्व है। विश्व युवा दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर प्रदेश के युवाओं को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने लिखा कि युवा शक्ति और कौशल का संयोजन आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की संकल्पना को साकार करने में सहायक होगा। आइए आज हम सभी लोग प्रदेश के युवाओं को कौशल स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रेरित करने का प्रण लें। बता दें कि विश्व युवा कौशल दिवस को युवाओं में कौशल विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 15 जुलाई 2015 से की गई थी। इस दिन को मनाने का खास उद्देश्य है युवाओं की स्किल और उनके कामों को बढ़ाना है, जिससे युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का, और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70,00,000 से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी